नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य। आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। झारखंड के जामताड़ा में सामने आया चौंकाने वाली वारदात। दूसरी शादी की चाह में पति ने कर दी अपनी पत्नी की हत्या, मामला दर्ज। बिहार के बेतिया में शातिर ठग चढ़ा पुलिस के हत्थे। रकम डबलिंग के नाम पर देता था लोगों को झांसा, ठग पर हत्या का भी आरोप। और झारखंड के कोडरमा में पत्थर व्यवसायियों के समर्थन में धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। रघुवर सरकार पर साधा निशाना, कहा पुलिस की कार्रवाई से बढ़ेगी बेरोजगारी और पलायन। झारखंड कोडरमा जिले में क्रशर, डिबरा और पत्थर उद्योग के खिलाफ प्रशासन के द्वारा चलाई जा रही कार्रवाई के विरोध में JVM पार्टी ने समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। मौके पर मौजूद JVM सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सरकार पर कड़ी प्रहार करते हुए यह भाजपा की जन विरोधी कार्रवाई बताया। साथ ही मरांडी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि छोटे व्यापारी को भगाना है और बड़े व्यापारी को लाना है, जो मोदी जी और अमित शाह को मोटी रकम दे सके। गौरतलब है कि कोडरमा जिले में पत्थर के खदान और क्रशर उद्योग वर्षों से चल रहे हैं। हाल के कुछ महीनों से जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है और कई क्रशर इकाइयों को ध्वस्त कर दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि अवैध रूप से चलने वाले किसी भी प्रकार के खदान और क्रशर को बंद करा दिया जाएगा। मोटी रकम मिलता है, छोटे उद्यमी बेचारा दे नहीं पाते, और इसलिए सरकार की मंशा है। सरकार ने तो नोट भी तैयार कर रखा है, कैबिनेट से तैयार कर रखा है कि अब पत्थर को भी बालू की तरह, कोयला की तरह ये ऑक्शन करने वाले हैं। और इसकी ये शुरुआत है कि छोटे उद्योग को बंद करो, छोटे व्यापारियों को भगा दो यहाँ से, ताकि बड़े बड़े जो प्लेयर हैं, जो मोटी रकम मोदी जी को देता हो, मोटी रकम अमित शाह को देता हो, वैसे लोगों को फिर लाना। जब ऑक्शन होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग या झारखंड की भी कोई उद्यमी, छोटे उद्यमी उस ऑक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। और इसलिए ये सरकार शुरुआत कर रही है, पहले लोगों को यहाँ से खदेड़ो, लोगों को यहाँ से भगाओ, ताकि ये छोटे उद्यमी भाग जाए और इसके बाद फिर ऑक्शन कर दो। यही है उसकी प्रोसेस चल रही है, और इसीलिए ये लोगों को बंद करा रहा है। ये तो कानून है, इसमें से उसको फॉरेस्ट एरिया से बाहर कर सकती है और फिर लोगों को लीज दे सकती है, जैसे कोयला की खदान की लीज देती है, आयरन ओर की लीज देती है, वैसे ही ये दे सकती है। बिहार के पूर्वी चंपारण में स्कूली बच्चों को हक और अधिकार से वंचित करने मामला प्रतिदिन उजागर हो रहा है। आज एक बार फिर शिक्षकों के अश्लील हरकत से आक्रोशित स्कूली बच्चों ने प्रदर्शन किया है। पिपराकोठी प्रखंड के कस्तूरबा विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षकों पर अश्लील हरकत करने और अवैध उगाही का आरोप लगाते हुए स्कूल में हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक सुनील कुमार छात्रों से क्लास में अश्लील भोजपुरी गाना गाने को कहते हैं और मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखते हैं। विरोध करने पर शिक्षक गायक और सरकार पर ही आरोप लगाते हैं। छात्रों ने एक अन्य शिक्षक राजन कुमार पर विद्यालय प्रमाण पत्र देने में अवैध रूप से रुपए वसूलने का आरोप लगाया है। बच्चों के शिकायत पर अभिभावक भी स्कूल में पहुंचकर मामले की शिकायत BDO से किए, जिसके बाद पिपराकोठी के BDO मौके पर पहुंचकर छानबीन किया और पूरी घटना के जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच करने और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षकों को दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी शिक्षा के मंदिर की पवित्रता बनी रहेगी और बच्चों का उज्ज्वल भविष्य भी बन सकेगा। हम लोग को ले पैसा आया था घुमाने जाने के लिए, तो दूसरे बच्चे को लेकर घुमाने हम लोग को नहीं ले गए। कौन से क्लास के हैं? 8वीं क्लास के भी निकल चुके हैं हम लोग के लिए पैसा आया था, लेकिन नहीं ले गए हम लोग के लिए। उस दिन हम लोग जब क्लास में बैठे थे तो लड़का सबके क्लास में सुनील सर गए और लगे गंदा गाना गवाने। उसके बाद हम लोग बोले कि गंदा गाना क्यों कर रहे, तो बोल रहा है कि निकालने वाले को एटी नहीं हुआ तो हम लोग को क्या। टीसी के बारे में हम लोग जब आए तो 20 रुपया कम था 100 में, तो राजन सर टीसी नहीं थे, पैसा फेंक दिया। पैसा कितना लेते हैं? 100 रुपया। हम दिए तो बोले कि हम नहीं लेंगे, झूला कर कंप्लेन हुआ। आपने हेडमास्टर से बोला? हाँ, बोले हेडमास्टर कुछ नहीं बोले, बड़ी उल्टे हम लोग को जब बोल दिया।
लगी हम लोग को समझाने और कर्ज छोड़ दो सब नहीं जाओ सब तो हम लोग छोड़ दिए। आपों का कहना था कि कुछ शिक्षक स्कूल आते नहीं हैं या कुछ लेट लतीफ आते हैं और कुछ शिक्षकों द्वारा बच्चों से दुर्व्यवहार किया जाता है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है और साथ ही शिक्षकों में भी आपस में बहुत सारे विषयों पर विवाद है। इन सब बातों को लेकर आज अभिभावक सभी इकट्ठा थे और इसके लिए हमने एक टीम सदस्य जिसमें पटना के पदाधिकारी के अध्यक्ष होंगे एक कमेटी बनाया है तीन परीक्षा के पदाधिकारी का और उनसे बताए गए सभी बिंदुओं पर 5 दिनों में जांच का रिपोर्ट देने का रिपोर्ट के बाद जो बातें आती हैं सामने उसका कार्यक्रम। बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के बानू छापर ओपी थाना क्षेत्र के दारोगा के हत्यारोपी और शातिर ठग को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ठगी के 1,54,000 रुपए और कई वाहन पुलिस ने जब्त किए। इस संबंध में बेतिया पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि शातिर ठग सत्येंद्र पांडे को उसके घर खरटिया से गिरफ्तार किया गया, साथ ही उसके साथ उसका सहयोगी पुरुषोत्तम को भी उसके निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। सत्येंद्र पांडे पर एक दारोगा की हत्या का भी आरोप था और कई जगहों से भोले भाले ग्रामीणों को अपना शिकार बना रुपए डबलिंग का भी धंधा करता था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ पुलिसकर्मी बाइक रोक चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार का सामान रोक उसका सामान उड़ाया है। तत्काल एक टीम का गठन कर जांच किया जिसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी सत्येंद्र पांडे को गिरफ्तार किया गया। सफलता मिली है और एक बड़े धोखाधड़ी के गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा अन्य मामलों की तलाश जारी है। झारखंड के गुमला में आज अपराध इतना बढ़ गया है कि लोग अपने में सुरक्षित नहीं हैं। वही पुलिस के हाथ अपराधियों तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे लोगों का भरोसा पुलिस पर से उठने लगा है। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीण दहशत के साए में जीते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिले के सदर थाना इलाके के वृंदा नाइक टोली की, जहां आपसी विवाद में उसी गांव के 2 अपराधी बसंत गोप और संदीप तिर्की ने 60 वर्षीय शनिचरवा उराव को लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी, जिससे शनिचरवा उराव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। वही घटना की सूचना पर थाना प्रभारी दलबल के साथ घटना स्थल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। वही पुलिस आसपास के इलाकों में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अपराधी पुलिस के गिरफ्त से कोसों दूर हैं। वही इस खूनी घटना से पूरा गाँव दहशत में है। पत्नी पसंद नहीं आई तो दूसरी शादी के लिए पत्नी की हत्या कर दिया। मामला झारखंड जामताड़ा थाना क्षेत्र के सोनबाद गांव की है। घटना के संबंध में मृतिका गुलशन खातून के पिता खातिर मियां ने जामताड़ा थाने में आवेदन देकर कहा है कि उसकी बेटी की हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाया गया है, जिसमें उसके पति ससुर सास देवर शामिल हैं। उसकी बेटी गुलशन की शादी 5 वर्ष पूर्व सोनवाद गांव निवासी मुख्तार अंसारी के साथ किया गया था। मृतिका की 1 3 वर्षीय बेटी भी है। सोमवार की दोपहर बेटी के ससुराल वालों ने सूचना दिया कि उसकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। परिजनों ने बताया कि मृतिका जब भी मायके आया करती थी, वह कहती थी कि उसका पति एवं ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते हैं और पति दूसरी शादी करना चाहता है। इसी नियत से उसकी बेटी की हत्या कर दी गई। दामाद जो है जाकर के बोला वहाँ हम लोग को जो मतलब वो फांसी लगा लिया और उतने ही में आकर के हम लोग देखें और हम लोग ये देखें कि खटिया पर सोया हुआ था, फांसी नहीं लगा हुआ था, उस समय डेथ हो गया, मर गया। और उसके बाद में हम लोग जो है मतलब कानून कार्रवाई का शुरुआत कर दिए कि हम कहें कि ठीक है, थाना प्रभारी से हम लोग प्रशासन से जा कर के हम लोग ये करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग लिखित दिए। फांसी लगाया, फांसी लगाने के तो दाग कहीं स्केच नहीं है गर्दन में। सच्चाई इसमें क्या, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा सच्चाई का पता चल जाएगा कि फांसी लगा कर मरा है या इसको हत्या कर दिया है। और देखने से ऐसा लगता है फांसी का कहीं स्केच नहीं है गर्दन। बालापुर के पास 3 गाड़ियों में भिड़ंत हुई जिसमें नागरिक जख्मी हुए। बालापुर अकोला जिले में आता है। यह गांव अकोला मुंबई हाईवे पर मौजूद है और इस गांव से होकर चारों तरफ बसें दौड़ती हुई नजर आती हैं। आए दिन यहां पर बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं। उसी प्रकार हाल ही में 3 गाड़ियों की भिड़ंत आपस में हुई, जिसमें एक बस औरंगाबाद से हिंगड़ घाट को जा रही थी। इस आपघात में जख्मी में पाए जाने वालों का उपचार सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है।
झारखंड के जमशेदपुर में राजनगर थाना क्षेत्र के हिंसल में तेज रफ्तार से आ रही दो ट्रक के आपस में टक्कर हो गई, जिसमें एक ड्राइवर जख्मी हो गया और दूसरा ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भागने में सफल हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से जख्मी हुए ड्राइवर को प्रिया हेल्थ केयर में इलाज कराया तथा बेहतर इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की सहायता से राजनगर CHC भेज दिया गया है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। बताया जाता है कि आए दिन इस जगह पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। दो दिन पहले भी इस जगह पर एक बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला था, जिसमें एक की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया था। एक बार फिर अज्ञात अपराधियों द्वारा आगजनी का मामला सामने आया है। मामला भरनो प्रखंड के चंपा टोली गांव की है, जहां एक किसान के घर आग लगी। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। घटना की जानकारी जब ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाया। किसान जट्टा उराव एवं उसकी पत्नी ईंट भट्टा बाहर काम करने गए हैं। घर में 3 बच्चे हैं। बच्चों को मदद की आवश्यकता है। 8 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रखंड प्रशासन द्वारा बच्चे की सहायता के लिए कोई ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। गरीबी होने के कारण उनके माता पिता बाहर कमाने गए हैं। अभी गांव वालों ने ही शरण दिया हुआ है। कैसे आग लगा हो तो नहीं जानेंगे सर, हम बगल स्कूल में हम पढ़ाते हैं, टीचर हैं। स्कूल आए तो पता चला कि यहाँ घर में आग लग गया। यही 2 बच्चा है, दोनों बच्चा स्कूल गए हुए थे और घर में कैसे आग लगा हो पता नहीं है। ये घर पूरा घर के जितना सामान था वो जल के राख होगा। करीबन 1.5 लाख का है, इन लोग को घाटा लगा। एक बच्ची स्कूल गई है वो अभी तक आई नहीं, उसको पता भी नहीं है। ये दोनों बच्चा मेरा ही स्कूल में पढ़ता है, ये लोग रो रहा है। तब हम लोग को पता चला कि घर में आग लग गया। पूरा गाँव का आदमी हम लोग मिले जुले, उसके बाद सब अभी आग को हम लोग काबू कर लिए हैं। इनके माता पिता, इनका माता पिता दोनों भट्टा चल गए हैं। बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि कहना ही नहीं है। और इसका पिताजी का नाम है जट्टा उराव। बिहार में पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया प्रखंड CDPO कार्यालय में भीषण आग लग गई। सूचना के तत्काल बाद मोतिहारी में फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरकौलिया पहुंचकर आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक कार्यालय के सभी महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए थे। आग लगने के कारणों के बारे में बताया जा रहा है कि आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी सह CDPO ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और मामले की जांच और क्षति का आकलन कराया जा रहा है। बिहार में सुगौली थाना के नगर पंचायत के कुरुम टोला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई विवाद को लेकर कई राउंड गोलियां चली और आधे दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुगौली और रामगढ़वा मुफस्सिल हरसिद्धि बंजरिया की पुलिस कायम कर रही है। मौके पर सुगौली थानाध्यक्ष सुनील कुमार अपने पूरे पुलिस बल के साथ पहुंच मामले को शांति बहाल किए और घायल लोगों का इलाज स्थानीय PHC में चल रहा है। झारखंड के धनबाद में कांग्रेसियों ने जिला प्रशासन को खुला चैलेंज किया है। 25 तारीख को सिंदरी खाद कारखाना का उद्घाटन करने धनबाद आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं धनबाद SSP ने आम लोगों को आग्रह करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम में कोई भी व्यक्ति काला कपड़ा पहनकर नहीं आएगा। वहीं कांग्रेस के युवा नेता वैभव सिन्हा ने जिला प्रशासन को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश है, इसमें किसी तरह की खाने और पहनने की रोक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम में वे काला कपड़ा ही पहनकर जाने का संकल्प लिए हैं। वहीं आज धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय को भेज दिए है और उम्मीद है कि पूरा फोर्स हम लोग को 21 तारीख या 22 तारीख तक मुहैया कराया जाएगा। पर्याप्त अफसरों को हम लोगों ने मांगा है, साथ ही CRPF और AG की भी कुछ टीम्स हम लोगों ने रिक्वेशन की है। BDDS का दस्ता साथ में रहेगा, ASL की टीम साथ में रहेगी, डॉग स्क्वाड साथ में रहेगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट PM के कार्यक्रम के लिए हम लोगों को होती है, एक बृहद कार्यक्रम होता है, तो वो फोर्स का रिक्वायरमेंट हम लोगों ने पूरा दे चुके हैं और उम्मीद है उसमें जल्दी हम लोगों को फोर्स अवेलेबल हो पाएगा। साथ ही एक चीज़ मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आमजनों को जब पहुँचना होगा, हम लोग इस चीज़ को भी खास करके 23 तारीख वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि एज लॉन्ग एज जो लोग आएंगे एज फार एज पॉसिबल काला कपड़ा वो लोग पहनना अवॉइड करें। कि एक दिन में 26 जोड़ा ट्रेन बंद किया गया, ये हमको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ होगा। केवल और केवल धनबाद में 26 जोड़ा ट्रेन जो गुजरने वाली थी धनबाद स्टेशन से, एक दिन में बंद कर दिया गया। लेकिन उनके जितने भी बड़े बड़े मंत्री
और यहाँ तक कि रेल मंत्री ने भी घोषणा किया था कि बहुत जल्द चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ट्रेन चालू नहीं हुई है। और हम धनबाद की जनता की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि वो धनबाद की धरती पर आ रहे हैं, कोयलांचल में आ रहे हैं, तो यहाँ जब बंद हुआ है तो यहीं आ करके उस दिन घोषणा करें कि 25 तारीख को धनबाद में हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से उनके आने की काफ़ी जोरों से तैयारी चल रही है, चाहे प्रशासन द्वारा हो या उनके पार्टी के लोगों के द्वारा। लेकिन कुछ मुद्दा हम लोग उनके सामने रखना चाहते हैं और कुछ सवाल भी है कांग्रेस पार्टी का। एक तो ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपने राजनीतिक करियर में काफ़ी दिनों से कांग्रेस पार्टी में है और बहुत सारे प्रधानमंत्री आए, धनबाद में भी आए और दूसरे जगह भी आते हैं, लेकिन ये जो चल रहा है तैयारी और जिस तरह से तुगलकी फरमान किया जा रहा है, केवल पार्टी के लोगों के द्वारा नहीं, प्रशासन के लोगों के द्वारा भी बोला जा रहा है, बड़े बड़े आला अधिकारियों के द्वारा, कि वीडियो और सीओ को आदेश दिया जा रहा है कि आपको अपने ब्लॉक से कम 5000 आदमी लाना होगा। हमने देखा कि विश्वविद्यालय का भी शिलान्यास किया, बहुत तामझाम से किया, बैंड बाजा बजाया गया, हमारे स्थानीय विधायक का नृत्य देखने का भी हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आज तक उस शिलान्यास करने के बाद भी सिर्फ वो शिलापट ही वहाँ लगा है, उसके कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है। तो हमें आशंका है कि कहीं ये भी वैसी, इसकी भी वैसी दशा न बन जाए जैसे हुआ है ना, कि अच्छे दिन आएंगे और डेट नहीं बताएंगे। तो हम चाहते हैं कि अगर हम स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री का, धनबाद की धरती पर स्वागत करते हैं, लेकिन हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो बताए कि जाएं कि आखिर कब खाद कारखाना बन के कब तैयार होगा, आखिर कब प्रोडक्शन चालू होगा, कब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों को भेजना है, लोगों को भीड़ जुटानी है, कोई कह रहा है 1.5 लाख, कोई कह रहा है 2 लाख, कोई कह रहा है 2.5 लाख। और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इन सब जो रैलियों पे जो खर्च हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली जा रही है, तो हम जानना चाहेंगे उसका भुगतान कहाँ से हो रहा है। 21 अप्रैल की रात में कोहकाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका की अज्ञात नक्सलियों द्वारा हत्या की गुत्थी को पुलिस के द्वारा सुलझा लिया गया है। 1 मई को रामू कुर्राम ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 अप्रैल को रात में खाना खाकर अपने घर में सो रहे थे कि करीबन 11 बजे कुछ अज्ञात व्यक्ति उसके घर में घुसकर उसकी लड़की पार्वती कुर्राम को अपने साथ पकड़ कर ले गए एवं पुलिस मुखबिरी के आरोप में पार्वती के चुनरी से रैजू लोहार, अन्य नक्सली एवं ग्रामीण उसके गला में फंदा लगाकर दोनों ओर से खींचकर गला घोंटकर हत्या कर दिए तथा लाश को उसके घर में रस्सी से लटका दिए और घर वालों को यह कहा कि मौत आत्महत्या द्वारा हुई है, बता देना, जिस पर थाना मर्दापाल में UAPA एक्ट पंजीबद्ध किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोंडागांव डॉक्टर अभिषेक पल्लवा निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक आप्स कोंडागांव श्री कवि गुप्ता के नेतृत्व में नक्सल गश्त सर्चिंग एवं आरोपियों की धरपकड़ हेतु थाना मर्दापाल से पार्टी रवाना किया गया था। सर्चिंग के दौरान ग्राम कोहकाड़ी का घेराबंदी कर दबिश दिया गया, जिसमें पुलिस पार्टी को सुदन को पकड़ने में कामयाबी मिली। 21/4/2018 को जो पार्वती कुर्राम, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उसकी नक्सलियों ने निर्मम हत्या की थी। 1 मई को हमारे पास जो है उसकी रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट पर FIR लिया गया था। इसमें आज हमने एक बड़ी सफलता में खुदून मंडावी करके जो वहीं का निवासी है, कोहकाड़ी निवासी, इसी ने चुनरी से जो है गला फंसाकर उसको मारा था और नक्सलियों को इसी की निशानदेही पे नक्सलियों ने उसको पहचाना था। ऐसी प्राइमरी पूछताछ से मालूम चला है कि इसी ने नक्सलियों को भड़काया था कि ये जो है पुलिस पार्टी जब आई थी तो ये लड़की पुलिस पार्टी के साथ थी, और आगे इसकी जांच चल रही है। लेकिन एक बड़ी सफलता है, क्योंकि यही लोग हैं जो कि पैसे के लिए नक्सलियों को खबर देते हैं, ठेकेदारों से, तेंदूपत्ता ठेकेदारों से, फंड मुंशियों से, रोड कॉन्ट्रैक्टर से जो है वो पैसा वसूली करते हैं नक्सलियों के नाम पे और फिर नक्सलियों को देते हैं। तो
तो जो ग्रामीण नेटवर्क है इसको मैं जो तोड़ने में हमें बड़ी सफलता मिली है। बिहार के सुगौली में 550 ग्राम विस्फोटक के साथ एक अपराधी गिरफ्तार किया गया है। सद्दाम हुसैन पिता अतुल मियां सुगौली थाना के सुगांव महावीर गंज चौक से गिरफ्तार किया गया है। शातिर अपराधी नेक मोहम्मद गिरोह का बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि अपराधियों का नेक मोहम्मद गिरोह किसी घटना को अंजाम देने के लिए जमा हुए थे। इसी दौरान दबिश देने पर नेक मोहम्मद फरार हो गया। पकड़ में आए अपराधी सद्दाम गिरफ्तार ने बताया कि नेपाल से विस्फोटक पाउडर ला रहा था, वह इसका प्रयोग बम बनाने में करता है। गौरतलब है कि नेक मोहम्मद ग्रुप कई बड़ी लूट और अपराध की घटनाओं को अंजाम दे चुका है, उस पर कई थानों में मामला दर्ज है। सद्दाम हुसैन है वो सुगांव महावीर टोला के पास पकड़ा गया है। उसका एक साथी भागने में सफल रहा, इसका नाम नेक मोहम्मद है। विस्फोटक पदार्थ जो है वो काफ़ी मैंने एक्सक्लूसिव है, पावरफुल है, जिससे कि अगर उसका उपयोग किया जाता है तो काफ़ी मात्रा में जानमाल की क्षति हो। कि जो इसमें संलिप्तता है, कहाँ से आया, कहाँ से ये लोग खरीदा, कहाँ यूज करने वाला था, इसके भी अनुसंधान के तहत जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जिले भर की मितानिन अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सोमवार की दोपहर तीखी धूप में पदयात्रा करते हुए राजधानी रायपुर के लिए रवाना हुई। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी मितानिनों की रैली जो पदयात्रा करते अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से गुजरती रही। दरअसल मितानिन अपनी 3 सूत्रीय मांग मितानिनों को दिए जाने वाले राज्यांश ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, क्षेत्र समन्वयक, मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर को दिया जाए, मितानिनों को 100% राज्यांश दिया जाए एवं मितानिनों को प्रोत्साहन राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जाना इनकी मांग में शामिल है। इन मांगों को लेकर पिछले 2 सप्ताह से मितानिन जिला मुख्यालय स्थित चौपाटी परिसर में बैठकर प्रदर्शन कर रही हैं। मितानिनों ने बताया कि वे अपनी मांग के संबंध में पहले भी शासन प्रशासन को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के चलते उनके संगठन को बेमियादी धरने पर बैठना पड़ा। इसमें जिले की 2300 मितानिनों के साथ ही मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक समन्वयक सहित कुल 2500 लोग शामिल हैं। हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, उसमें राजजांच की मांग है। जो मितानिन को दिया जा रहा है वो हमें एमटी साथी और बीसीएसपीएस, फिर हेल्प डेस्क मितानिन, इन सभी को राजजांच दिया जाए। इस रैली को हम लोग मितानिन को राजजांच 100% दिया जाए और हमारे साथ ब्लॉक समन्वयक, पंचायत समन्वयक, मितानिन प्रशिक्षक, मितानिन हेल्प डेस्क है और एरिया कोऑर्डिनेटर है, उनको भी मितानिन को जो राजजांच दिया जा रहा है वो राजजांच दिया जाए और मितानिन का जो राशि है हर महीना उसको दिया जाए। इसको लेकर हम अभी रायपुर के लिए निकले हैं पैदल। आप लोग यहाँ से रायपुर के जी कुंडागांव से हम लोग पैदल चलेंगे रायपुर, और रायपुर में जो हमारा महारैली है उसमें हम लोग शामिल हो जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और फिर दिन को फिर निकलेंगे। ऐसा यहाँ से अभी निकल के आप कहाँ तक करेंगे? यहाँ से लगभग हम लोग अभी जैतपुरी के आगे तक जाने का प्लान किए हैं। एड्स पीड़ित बच्चों एवं मरीजों की सहायता के लिए रोटरी क्लब हजारीबाग ने बीते रात बप्पी लहरी नाइट का आयोजन करवाया। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज स्टेडियम में कल देर रात तक कला प्रेमियों की भीड़ लगी रही। महान संगीतकार बप्पी लहरी ने याद आ रहा है तेरा प्यार गाना से कार्यक्रम की शुरुआत की। बप्पी लहरी के पुत्र बप्पा लहरी ने भी प्रस्तुति दी। वही हास्य कलाकार एहसान कुरैशी ने भी लोगों को काफी गुदगुदाया। कार्यक्रम का रंग कुछ ऐसा जमा कि इंडियन आइडल के कलाकारों ने वहां बैठे श्रोताओं को सम्मोहित कर दिया। हजारीबाग में इस तरह का आयोजन लगभग 2 वर्षों के बाद हो रहा है, इसलिए हजारीबाग वासी इस तरह के आयोजनों के प्रति कुछ ज्यादा ही ललायित रहते हैं। ऐसे में रोटरी क्लब द्वारा दिया गया यह उपहार को लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। रोटरी क्लब के अध्यक्ष और सदस्यों ने इस चैरिटी शो को सफल होने एवं एड्स पीड़ित बच्चों को जरूरी सहायता एवं दवाइयां मुहैया कराने के उद्देश्य को सफल बताया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN24 पर। नमस्कार। Hey guys, this is Kainat Arora and you're watching INN 24.